कहते हैं कि तुम्हारी बोरिंग वीडियोस देखते देखते थक गए, ईयरफोन्स पहन लो बेटा क्योंकि तुम्हारी माँ चोदने आ गए। और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो और आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? रुको स्क्रिप्ट देख के बताता हूँ। आज हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। हाँ, वही सोसाइटी जिसपे मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ पहले ही। इस बार सोसाइटी पे कोई पॉइंट नहीं रहेगा, कोई पॉइंट नहीं रहेगा, बस चोदना है सोसाइटी को तो चोदना है। नहीं, सोसाइटी को नहीं, सोसाइटी के लोगों को। वो लोग जो बहुत बड़े माथा चोत किस्म के इंसान होते हैं, वही लोग जिनसे खुद के बच्चे कंट्रोल नहीं होते, जिनके खुद के बच्चे रंडी चोद रहे होते लेकिन वो दूसरे के बच्चों पे ज्ञान देता है क्योंकि उनके बच्चे रंडी बाज हैं, उन लोगों ही चोदना मेरा काम है। और उनको दूसरों की जिंदगी कुछ परवाह नहीं रहती, बस दूसरों की जिंदगी को कैसे बर्बाद करें वो उन लोगों के दिमाग में बस चलते रहता है, उन लोगों के जहन में चलते रहता है, उन लोगों के लंड में चलते रहता है ये बात, क्योंकि लंड ही उसका दिमाग है। मां चोद दिए भैया जी आप तो। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ईयरफोन्स पहन लो वरना गांड फट जाएगी तुम्हारी, क्योंकि आज मेरे पास इतना एनर्जी है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी को आज चोद ही दूंगा। हाँ, चोदूंगा सोसाइटी के लोगों को, वही लोग जो दूसरे के शिकायत करते हैं। मैं बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो बोर हो रही है ना, रुको अभी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और अभी फिर से बोलता हूँ। सोसाइटी के लोग मुझसे इस वजह से इतना परेशान है क्योंकि मैंने उन लोगों के कंट्रोल में आना ही नहीं है, मैं उन लोगों के कंट्रोल में हूँ ही नहीं, तो उन भोसड़ी वालों को दिक्कत होगा ही क्योंकि ये बच्चा आगे निकल जाएगा और दूसरों को कंट्रोल करने नहीं देगा। मैं खुद की जिंदगी खुद जीता हूँ, मेरे पास बाइक है मैं घूमता हूँ, मेरे पास पैसा है मैं घूमता हूँ, मेरे पास पेट्रोल है मैं घूमता हूँ। बहन जो तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले? मेरा बाप मुझे नहीं रोक रहा है तो तुम कौन हो भोसड़ी वाले? और सबसे ज्यादा ज्ञान चोदने वाला बात तो सोसाइटी के लोग ये करेंगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बोल रहा हूं। बेटी चोद, सबको अपना जिंदगी अच्छे से जीना है, किसी को भीख मांग के नहीं गुजारना है। नहीं, ये भोसड़ी वाला चाहते कि होटल में जाके काम करूं। भोसड़ी वाला, मेरी कुछ उम्र हुई है मैं काम करूं? मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है काम करने के लिए? और हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, यूट्यूब पे गाली दे रहा हूँ तो तुम लोगों को सुधारने के लिए दे रहा हूँ। बेटी चोद, दूसरे की जिंदगी में मत पड़ो वरना इतनी गांड फट जाएगी ना, क्योंकि एक छोटे से लड़के ने तुम लोगों की माँ चोद रखी है, तो सोचो अगर सब आ गए तो चुद जाओगे भोसड़ी वाले, फट जाएगी गांड। इन लोगों के पास अब कुछ नहीं होगा ना, तो अगर तुम घूमोगे फिरोगे तो ये तुम्हें लड़की बाज बोलेंगे। भोसड़ी वाला एक लड़की से प्यार करने पे वो लड़की बाज नहीं कहलाता, वो प्यार कहलाता है। और तुम्हारा बेटा जो रंडी चोद रहा है, चार लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो लड़का तुम्हारा सही है क्योंकि वो घूम नहीं रहा है। भोसड़ी वाले, सोच बदल लो, अपने सोच बदल लो। बात आई कमाने के बारे में, तो भोसड़ी वाले यूट्यूब मुझे पैसे दे रहे हैं, गाली देने के पैसे दे रहे हैं। अपने बच्चों को इतना बनाओ कि गाली देने के भी पैसे दे। अपने बच्चों को सुधार लो, दूसरे के बच्चों को मत सुधारो। सबसे पहले अपने बच्चों को सुधारो क्योंकि तुम्हारे बच्चे प्यार कर रंडी रोना करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। प्यार, चार लड़की से प्यार करना प्यार नहीं कहलाता है। और बहुत कोई क्या कहते हैं कि चार लड़की है बस उसमें से एक से मुझे प्यार हुआ है। भोसड़ी वाला, एक से प्यार होता है तो चार लड़की से बात किया नहीं जाता है, और चारों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्यार करने वाले की तो खड़ ही रहा है क्योंकि उससे पहले प्यार करेंगे उससे शादी करना है। भोसड़ी वाला, शादी अलग हुआ प्यार अलग हुआ, प्यार में भी शादी हो सकता है, शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। मैं बोला क्या? कुछ ज्यादा ही एनर्जी में हूं, ये वायग्रा का साइड इफेक्ट हो रहा है मुझे। एक लड़की से बात करो, तीन लड़की की और क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? सिर्फ लड़के खराब नहीं होते, लड़कियां भी खराब होती है। जो एक से प्यार करेगी, दूसरे के साथ सेक्स करेगी, तीसरे से बात करेगी, दूसरे के साथ सेक्स करेगी, क्योंकि बीच में दूसरे को ही उसको देना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए किसके लिए था ये? समझ गए साले? कुछ कुछ लड़की तो ऐसी होती है जो प्यार भोसड़ी वाले, प्यार नाम हटा लो डिक्शनरी से, क्योंकि प्यार नाम का कुछ चीज ही नहीं होता है इस सोसाइटी में, खास करके गांव वाले सोसाइटी में। और जिसको हो गया तो भाई वो बदनाम है। हाँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, पर बदनाम है जिसको अगर सच्चा प्यार हुआ है तो, क्योंकि प्यार करने वाले को लोग वही समझते हैं, और लोग यहाँ के लोग प्यार करते हैं बस उसी के लिए, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एक हवस है जो तुम बुझा रहे हो भोसड़ी वाले, किसी की जिंदगी बर्बाद करके। वैसे भी लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ वो क्या कर रहा है, क्योंकि अपने हस्बैंड के पास तो जाके उसको प्यार का रंडी रोना करना ही है। मैं प्यार को भी बीच में घसीट रहा हूं तो कि एक सोसाइटी का पार्ट है कि प्यार का पार्ट है, अलग करता हूं मैं इसको। रुको, वीडियो इन हो जाएगी, दिमाग में कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं, और कुछ ज्यादा ही एनर्जी में था तो गाली दे रहा हूं भर भर के। तो काम कर रहा हूं मैं,
वीडियो खत्म कर रहा हूँ, तुम लोग देखना, इसके बाद एक फिर प्यार पे वीडियो आएगी। नहीं नहीं प्यार पे नहीं आएगी। हाँ कुछ कुछ दोस्तों को पता है मैं किस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो कमेंट पे वो लोग बता देगा तुमको, अगर बताना है उन लोगों को, अगर नहीं बताना है तो फिर कोई बात नहीं।